संसद में जमकर लगे जय श्री राम के नारे, तो दिग्विजय सिंह ने इस पर भड़क कर सत्ता पक्ष को क्या नसीहत दे डाली। संसद के दोनों सदनों में इन दिनों यही हाल है। कहने को तो संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन इस सत्र में अलग अलग मुद्दों और विषयों पर जहां चर्चा होनी चाहिए, जहां अलग अलग बिलों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस होनी चाहिए, उसकी जगह संसद की कार्यवाही भारी शोर शराबे और हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। सोमवार को भी जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो यही हाल दिखा। राज्यसभा में जैसे ही सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रवेश किया तो अचानक जय श्री राम के नारे लगने लगे। इस पर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनको इस पर घोर आपत्ति है। अपनी इस आपत्ति पर उन्होंने अपने ही अंदाज में कुछ तर्क भी दिए, आप खुद ही सुनिए। सुना आपने, कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह को जय श्री राम के नारों से भी आपत्ति है। उन्होंने इस पर सुझाव देते हुए कहा कि सत्ता पक्ष जय श्री राम क्यों, जय सियाराम के नारे क्यों नहीं लगाता। मसलन उनके कहने का मतलब ये था कि नारों में राम से पहले सिया यानी सीता जी का जिक्र भी होना जरूरी है। खैर, अब सत्ता पक्ष के सांसद उनके सुझाव को कितना मानते हैं कितना नहीं ये तो उन पर है। लेकिन इसके बाद कार्यवाही आगे बढ़ी तो एक बार फिर से सदन में मणिपुर हिंसा और मणिपुर में दो महिलाओं की शर्मनाक परेड निकाले जाने के मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शोर शराबा बढ़ गया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही को बाधा पहुंची और सदन को स्थगित करना पड़ा। आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र में दोनों सदनों में मणिपुर हिंसा और मणिपुर महिलाओं की वीडियो के मुद्दे पर हंगामा जारी है। विपक्षी दलों के सांसद लगातार इस मांग पर अड़े हुए हैं कि सदन में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा करवाई जाए, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हो। हालांकि पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर चर्चा में शामिल होने के लिए जरूर पहुंचे थे, लेकिन सदन में हंगामे की वजह से चर्चा नहीं हो सकी थी। विपक्ष लगातार इसी जिद पर अड़ा हुआ है कि सदन में इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहे। विपक्ष का कहना है कि पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर जानबूझकर चुप्पी साध रखी है। पिछले दिनों इसी तरह की मांग और शोर शराबे के बीच राज्यसभा से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी निलंबित कर दिया गया था, जिसकी विपक्षी दलों ने जोरदार निंदा की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।